भाई एनिमल मूवी का ट्रेलर कल आया और क्या आग लगाई है इस ट्रेलर ने इंटरनेट पर। इस 3.5 मिनट के ट्रेलर का हर एक सीन क्लासिक था, परफेक्ट और टॉप नॉच एक्टिंग थी एक्टर्स की। इस ट्रेलर को देख के हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी में फैमिली ड्रामा और वॉयलेंस का परफेक्ट तड़का देखने को मिलेगा। दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा जो कि डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उनको परेशान किया जा रहा था कबीर सिंह के वक्त कि आपकी कबीर सिंह मूवी में बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस है जो कि अच्छी बात नहीं। तो मीडिया वालों से दोस्तों साफ कहा था संदीप रेड्डी वांगा ने कि अभी आपने वॉयलेंस देखा कहां है, मेरी आने वाली फिल्म में आपको दिखाऊंगा कि वायलेंस होता क्या है। तो दोस्तों यही है आने वाली फिल्म जिसका नाम है एनिमल, और दोस्तों बहुत ही तगड़ा वायलेंस देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। आपको पहले ही बता दूं ये मूवी ए रेटेड है, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग ही इसको देख सकते हैं, और सिर्फ शरीर से 18 नहीं दोस्तों दिमाग से 18 होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेलर में दिख रहा है कि क्या वायलेंस दिखाएंगे थिएटर्स में। ट्रेलर में रणबीर कपूर कैसे हाव-भाव चेंज कर रहे हैं सेकंडों में अपना। रणबीर कपूर एक वर्सेटाइल एक्टर है, वो हमको साफ दिखेगा इस मूवी में। एक समय तो रणबीर कपूर शांत स्वभाव वाले इंसान होंगे और एक समय मूवी में रणबीर कपूर एक जंगली जानवर बन जाएंगे। बात करें बॉबी देओल की तो वो सरप्राइज पैकेज है हमारे लिए, क्योंकि ये साफ नहीं कह सकते कि यही है मेन विलन इस मूवी के, क्योंकि ट्रेलर में अगर देखें तो इनका कैरेक्टर मुझे तो शेडी सा लगा। लेकिन बात करें एक्टिंग की तो यार इन्होंने पूरे ट्रेलर में एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला और इन्होंने ट्रेलर में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलेंगे कि भाई बॉबी देओल को देखकर गूज बम्स आए हैं, खासकर ये वाला सीन देख के। और मानना पड़ेगा भाई संदीप रेड्डी वांगा के काम को, उन्होंने सिंपल सी स्टोरी बाप बेटे की स्टोरी को किस तरीके से परोसा हमारे सामने। अक्सर हमें दोस्तों देखने को मिलता है कि साउथ साइड के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवीज में एक अलग सा ही वेपन लेके आते हैं, जैसे आपने KGF में भी देखा होगा वैसे ही सेम दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा भी एनिमल में अपना वेपन लेके आए हैं। और ये ट्रेलर में और मोबाइल पे देखने में दोस्तों ऐसा लग रहा है, तो आप सोचो बड़ी स्क्रीन पर देखने पे कैसा लगेगा। साफ कहूं तो फुल पैसा वसूल होगी ये मूवी हमारे लिए। ट्रेलर में यार हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर में गुम हो चुका है, किसी ने ऐसा लगने ही नहीं दिया दोस्तों कि ये एक्टिंग कर रहे, इतने परफेक्ट एक्टिंग करी है सबने। और ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई बहुत ही तगड़ा है, 4 चांद लगा रहा ट्रेलर में, और थिएटर में भी अपना काम परफेक्ट तरीके से करेगा। और ये BGM दोस्तों समय समय पर चेंज भी हो रहा है, जो आपने ट्रेलर में भी नोटिस किया होगा। ट्रेलर को यूट्यूब पर सिर्फ 24 घंटे में 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, और ट्विटर पे ये ट्रेलर दोस्तों ट्रेंडिंग में है। मतलब हम कह सकते हैं कि मूवी की अच्छी खासी हाइप है, और इस मूवी का बजट है सिर्फ 100 करोड़, जो कि ये 2-3 दिन में ही निकाल लेगी। अब आप बताओ कमेंट्स में कि आप पहले कौन सी मूवी देखने जाओगे, सैम बहादुर या फिर एनिमल, क्योंकि इन दोनों मूवीज का दोस्तों क्लैश है, ये दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हो रही हैं। तो बताना कमेंट्स में कि आप पहले कौन सी मूवी देखने जाओगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।